देश के सबसे कुख्यात डकैत का कुबूलनामा। डकैत जिसके पीछे काम कर रही थी सियासत की सबसे बड़ी हस्तियां। निर्भय सिंह को किसने सियासत का मोहरा बनाया? आखिर कौन चमका रहा था डाकू के दम पर राजनीति? निर्भय सिंह ने लिया सियासत का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा खुलासा। सियासत के ऐसे नाम जिन्होंने बनाया था गुर्जर को निर्भय, कैसे राजनीति की सबसे बड़ी शख्सियत से थी उसकी मुलाकात। कभी चंबल घाटी में चुनाव के दौरान ऐसे नारों की गूंज हुआ करती थी, लेकिन आज इस तरह के नारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, क्योंकि खूंखार डाकुओं के अंत ने इन फरमानों पर विराम लगा दिया है। चंबल घाटी से जुड़े चकरनगर इलाके में कभी खूंखार डाकुओं का फतवा अहम होता था। इनके फरमान से सरपंच, विधायक, सांसद चुने जाते थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चंबल के बिहेड़ों में कई सालों तक राज करने वाले दुर्दांत डकैत निर्भय सिंह गुर्जर ने चंबल का इतिहास बदल दिया और यही उसकी मौत की वजह बनी। निर्भय सिंह उसी के कहने पर मारा गया जिसे उसने अपना बड़ा भाई और माई बाप कहने का दुस्साहस किया था। आखिर कौन थी वो शख्सियत? आखिर कौन थी हिंदुस्तान की राजनीति की वो सबसे बड़ी शख्सियत जिसका बार बार नाम लेता था निर्भय गुर्जर? निर्भय गुर्जर को किसका था आसरा, किसका था सहारा, कौन था उसका सियासी माई बाप? कसम भगवती खा रहा हूं, हमसे मीणा ने कहा मुझे 50,000 रुपए महीना दे, निर्भय सिंह आपके पास नहीं जाऊं। जो कह रहा है कसम भगवान, उनका मुखबर पढ़ ही मुझे खबर देता है। बिल्ली की पुलिस आई, इतने टाइम पे फला फला व्यक्ति पकड़ जाएंगे, भाग जाओगे, तुरंत हम भाग गए। उनके मुखबर हमारे सब एक हैं, नेता हमारे हैं, उन्हों के हैं। अगर उनके लाल के अड़वाणी उनको उसे उन्हें वो दे सकते हैं, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के है कि नहीं, तो मुझे भी कोई तो मंत्री मुझे कुछ सारा दे ही सकता है। लगभग दो दशक तक चंबल में आतंक का पर्याय रहा दस्यु सरदार निर्भय सिंह गुर्जर। कई राजनीतिक पार्टियों का करीबी माना जाता था। वो और उसके साथी बंदूक के दम पर अपने करीबी नेताओं के लिए वोट डलवाते थे। निर्भय गुर्जर ने दो दशक तक बिहड़ में राज किया, लेकिन निर्भय सिंह को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों का वरद हस्त प्राप्त था। देखिए कैसे निर्भय निर्भय होकर बड़े बड़े राजनेताओं का नाम लेता था जैसे वो इनके खास हों। राजेश पायलट हैं, दिग्विजय सिंह उनके सामने भी पीछे हटते थे। अगर राजेश पायलट तो मर गए, निर्भय सिंह तो अभी नहीं मरे, उद्दा तो वो ही है, उसी उद्दा पर बैठेंगे। क्या मुलायम सिंह और क्या मायावती और क्या सोनिया, अभी इस टाइम पर मैं सोनिया की पार्टी का कांग्रेस आईपीएस निर्भय सिंह गुर्जर जो कह रहा है अभी मैं कांग्रेस का। निर्भय सिंह क्यों चाहता था राजनीति में आना? दस्यु सुंदरी फूलन देवी, मलखान सिंह, मोहर सिंह और ना जाने कितने डकैत आत्मसमर्पण करके राजनीति में आए ताकि उन्हें सरकार से आश्रय और सत्ता दोनों हासिल हो। फूलन देवी तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सांसद भी बन गई थी, लेकिन मलखान सिंह और मोहर सिंह कुछ खास नहीं कर सके। निर्भय भी नेता बनना चाहता था। वो नेताओं को चुनाव में मदद करता और हर चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का खासम खास बन जाता। उसकी बातें कभी कभी बहुत बचकानी होती थी। चुनाव के दौरान बूथ लूटने और अपने उम्मीदवार को जिताने की बात
वो बेहद दमदारी से बताता। जैसे हम सपा पार्टी के हो गए या कांग्रेस पार्टी के हो गए या बीजेपी किसी पार्टी के हो गए, क्या मतलब है, तो हम गए गांव में, मैंने कही के वहाँ भाई साहब उस गांव बिगड़ा है, हम सपा के हैं, चमार से बाके बहुजन के हैं, तो चमार ने गांव में हम घुस बैठे, तो हमने इनके जितने भी टंगे जो मेरे वोटर वोटर फेंक के हमने टंगेरा फोटो में इनकी हाड़ा नहीं की फेंक दें हमने कौन सी रामोल जार था हमने हाला इसलिए इतनी फायदा भी उठाओ उससे हमें मदद करती। निर्भय सिंह के सिर पर 5 लाख का इनाम सरकार ने रखा था। गुर्जर का आतंक 200 गांव में था। इसी के फतवे से सरपंच, विधायक और सांसद चुने जाते थे। 2005 के सरपंच चुनाव के दौरान निर्भय ने कुरछा, कुंवरपुरा, विडौरी, नेवरी व हनुमंतपुरा सहित दर्जनों पंचायतों में अपने लोगों को चुनाव जितवाया था। इतना ही नहीं, पंचायतों के चुनाव में कुरछा में डकैतों के फरमान का असर ये हुआ कि निर्भय के डर से किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। 1 साल बाद प्रशासन ने ही मशक्कत से चुनाव करवाया तो जीते हुए प्रधान को गांव छोड़कर इटावा रहना पड़ा। इतना ही नहीं, पंचायत सदस्य चुने गए एक जनप्रतिनिधि की तो निर्भय गुर्जर ने गांव आकर इसलिए नाक काट ली क्योंकि उसने चुनाव लड़ा और स्कूल के लिए जमीन दी। चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर 2000 से 2005 तक निर्विरोध चुनाव होता रहा। दस्यु दलों का खौफ चंबल और यमुना पट्टी के बिहड़ी गांव में इस तरह हावी था कि इकनौर, मड़ैयान, दिलीप नगर, अंदाबा आदि गांव में मतदान सीधा उससे प्रभावित होता था। अब ना तो डाकू हैं न उनके फतवे, लेकिन आज शराब चुनाव में जीत का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। कभी फतवे सबसे अहम थे, आज शराब का बोलबाला दिखने लगा है। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।